इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इंदौर के मास्टर प्लान को देश का सबसे अच्छा मास्टर प्लान बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है, जिसको लेकर समाज के बुद्धिजीवी और अधिकारियों की टीम जुट गई है। इसी कड़ी में आज मंत्री तुलसी सिलावट के साथ बुद्धिजीवी वर्ग की टीम ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की। मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में इंदौर उत्थान अभियान के प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र जी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्वच्छता में नंबर वन शहर के मास्टर प्लान को भी देश का नंबर वन मास्टर प्लान बनाने के लिए अपील की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय प्रशासन मंत्री के समक्ष अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान बुद्धिजीवी प्रतिनिधिमंडल में मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी, अजीत नारंग और कई बुद्धिजीवी शामिल हुए। इंदौर के प्रतिनिधिमंडल से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि सभी बुद्धिजीवियों और वरिष्ठों के साथ चर्चा के बाद ही मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सभी अतिथियों से कहा कि इंदौर का मास्टर प्लान देश का सबसे बेहतर होगा। इंदौर में आने वाले 100 सालों की जरूरत को देखते हुए प्लान बनाया जाए, इसके लिए इंदौर के लोगों की पहल अद्भुत है। देखिए, इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है, न केवल मध्य प्रदेश का गौरव है बल्कि देश का गौरव है। इंदौर जो देश में स्वच्छता में नंबर वन है, आज इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर इंदौर के जितने भी हमारे वरिष्ठ जन है, वहाँ के समाज सेवी हैं, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग हमारे माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी के साथ आज आकर मुझसे मिले हैं और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मास्टर प्लान को लेकर उन्होंने दिए हैं। और किसी शहर के प्रति लोगों में इतनी जागरूकता है, ये मैंने पहली बार देखा है कि शहर के प्रति लोगों की, और इसीलिए इंदौर नंबर वन है। और जिस तरह से इंदौर के विकास को लेकर विजन है लोगों का, और निश्चित रूप से इंदौर देश का नंबर वन शहर हर दृष्टि से, ना केवल स्वच्छता बल्कि हर दृष्टि से हो, इस तरह का मास्टर प्लान इंदौर का बने, इसके लिए 20 तारीख के बाद हम लोग माननीय तुलसी सिलावट जी और हमारे सब वरिष्ठ नेता, हम सब लोग इंदौर में बैठेंगे, अधिकारी सब बैठेंगे और सभी लोगों के सुझाव के आधार पर ही इंदौर का मास्टर प्लान बनेगा। ये विश्वास मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से दिलाता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे सपनों का शहर इंदौर है, वैसा ही इंदौर हम लोगों को बनाना है। इंदौर को जितना अच्छा हम लोग कर सकते करेंगे। सब लोग आके मिले हैं, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। कब तक मास्टर प्लान लागू होगा? अभी प्रक्रिया चल रही है, भोपाल की भी चल रही है, इंदौर की भी चल रही है, और जैसे ही सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद हम लोगों की कोशिश है कि जल्दी मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। कोशिश ये है कि इस साल मास्टर प्लान लागू हो जाए। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इंदौर मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है और 5 बार से स्वच्छता में लगातार नंबर वन बना हुआ है। ये सब इंदौर के लोगों की जागरूकता का परिणाम है कि यहाँ का प्रत्येक निवासी इसके विकास के बारे में सोचता है और मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। यही बात इस शहर को देश में अलग पहचान देती है। इंदौर के मास्टर प्लान को सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और शैक्षिक दृष्टि को सम्मिलित कर बनाया जाएगा। इसके लिए दुनिया के बेहतर विशेषज्ञों के विचार भी सम्मिलित किए जाएंगे। वो बासिंदे जो इंदौर के प्रति विकास को लेकर, प्रगति को लेकर, उन्नति को लेकर चिंतित होते हैं, समाज सेवी, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, हर वर्ग के अभ्यास मंडल के लोग, कम से कम 25-30 लोग, एक प्रतिनिधिमंडल आया। उन्होंने कहा कि इंदौर विकास और प्रगति में, स्वच्छता में नंबर वन, स्वास्थ्य में नंबर वन, शिक्षा में नंबर वन, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, खेल की राजधानी इंदौर, उद्योग की राजधानी इंदौर, प्रगति और विकास की राजधानी इंदौर,
अब जो मास्टर प्लान बन रहा है इंदौर का, वो देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बने, इसी भावना को लेकर आज इंदौर का वो वर्क जो इंदौर का मान भी है, इंदौर का सम्मान भी है, इंदौर का विश्वास भी है, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री, स्थानीय आवास और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से भेंट की, और जब हमने कहा कि इंदौर मध्य प्रदेश के साथ मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है, और उन्होंने जो विचार नारंग जी ने, तिवारी जी ने और इंदौर के सभी प्रबुद्ध लोगों ने रखे, उन्होंने उनके स्वर में स्वर मिलाकर ये बात कही कि अच्छे सुझाव मास्टर प्लान के लिए आते हैं, इंदौर के विकास के लिए, इंदौर की प्रगति के लिए, इंदौर की उन्नति के लिए, इंदौर की गरीब बस्ती के लिए, इंदौर के यातायात के लिए, इंदौर के पर्यावरण के लिए, उन सारे सुझावों को जो सकारात्मक हो इसको मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा। और इंदौर के इस प्रतिनिधिमंडल को परम सम्मानी भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, यह इंदौर राष्ट्र में हर स्वच्छता में नंबर वन, शिक्षा में नंबर वन, वाटर प्लस में नंबर वन, और अब देश का मास्टर प्लान भी इंदौर नंबर वन बनेगा। 20 तारीख के बाद स्वयं भूपेंद्र सिंह जी इंदौर आ रहे हैं, आला अफसर के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और समाज के इन सभी बुद्धिजीवियों के साथ वो बैठ के चर्चा करेंगे और उनके अच्छे सुझाव को उसमें जोड़ा जाएगा। मैं इंदौर के एक नागरिक के नाते मैं भूपेंद्र सिंह जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जितने भी हमारे प्रतिनिधिमंडल इनकी ओर से उनका स्वागत और आभार, और जो विश्वास उन्होंने हमें दिलाया है मैं वाकई में उनका कृतज्ञ हूँ। और इंदौर बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कहा कि इंदौर उत्थान अभियान के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन मंत्री से मुलाकात कर इंदौर के मास्टर प्लान को देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बनाने की अपील की। इंदौर उत्थान अभियान का एक प्रतिनिधिमंडल आज मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री उपेंद्र सिंह जी से, हमारे अपने ही इंदौर के नुमाइंदे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी की अगुवाई में मिला था। अजीत सिंह जी नारंग थे और इंदौर के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले साथी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि इंदौर जो कि स्वच्छता के मामले में देश का नंबर एक शहर है, उसका मास्टर प्लान भी देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान होना चाहिए। और इंदौर उत्थान अभियान ने अजीत सिंह जी नारंग के नेतृत्व में पिछले एक साल से देश भर के जो टाउन कंट्री प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं, जो प्लानिंग के एक्सपर्ट्स हैं और जो टाउन कंट्री प्लानिंग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं या जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनके साथ साथ इंदौर शहर के अलग अलग वर्ग के लोगों से मास्टर प्लान को लेकर राय ली थी। और हम ये चाहते हैं कि जो राय आई है अलग अलग स्तर से, ये सरकार अभी चूँकि मास्टर प्लान बनने की प्रक्रिया में है इसलिए राय सरकार तक जाए और सरकार जो है इस मास्टर प्लान में इंदौर के विकास से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दों को समाविष्ट करे जो जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो बहुत खुशी की बात है कि आज माननीय मंत्री जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि आपने जो सुझाव दिए उन्हें मास्टर प्लान में लिया जाएगा, मैं इंदौर आऊँगा, आप लोगों से बातचीत करूँगा और जब तक इंदौर उत्थान अभियान ने जो सुझाव दिए उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तब तक इंदौर के मास्टर प्लान को उन्होंने कहा मैं अप्रूव भी नहीं करूंगा। तो हम माननीय मंत्री जी के और माननीय तुलसी सिलावट जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने इंदौर की बात को बहुत व्यवस्थित तरीके से माननीय मंत्री जी के आज जो है माननीय तुलसी सिलावट साहब के नेतृत्व में इंदौर उत्थान अभियान का प्रतिनिधिमंडल माननीय भूपेंद्र सिंह जी से मिला और उनके समक्ष हमने वह अध्ययन जो कम से कम 1000 घंटे जिसमें हमने लगाए देश के जाने माने विशेषज्ञों से मिलकर, टाउन प्लानर से मिलकर, ताकि स्वच्छता में नंबर वन आने के बाद, वाटर प्लस वन में नंबर वन आने के बाद इंदौर का मास्टर प्लान भी देश का सर्वश्रेष्ठ बने, इस हेतु हमने पूरा अध्ययन रिपोर्ट उनके सामने प्रस्तुत की, उसके मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए और हमें बहुत गर्व होता है कि इंदौर 100 साल पहले जो देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बनाने वाला था वह 100 साल बाद फिर इतिहास रच रहा है। और इस इतिहास के अंदर जो है इंदौर का मास्टर प्लान, चूँकि इंदौर 2035 में मिनी मेगा सिटी हो जाएगा, 2050 में मेगा सिटी हो जाएगा, तो देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ यह शहर सिर्फ स्वच्छता में नंबर वन नहीं कहलाएगा, वाटर प्लस में नंबर नहीं कहलाएगा कि देश के सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान का नगर होने का भी गौरव प्राप्त करेगा और देश का नाम ऊंचा करेगा। हमें खुशी है, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जी को, तुलसी सिलावट साहब को, जिन्होंने हमारे इस प्रस्तावों को स्वीकार किया और हमारे इंदौर
के लोगों के लिए गए किए गए अध्ययन के अनुसार ही जो है निर्णय लिया जाएगा, इसका आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के मास्टर प्लान को देश का सबसे अच्छा मास्टर प्लान बनाने के लिए इंदौर की जनता एवं जनप्रतिनिधियों ने कवायद शुरू कर दी। भोपाल से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।